1 जून 2024 को देश की 18वीं लोकसभा के लिए हुई आम चुनाव संपन्न हुए, जहां 4 जून को नतीजों ने हर किसी को हैरान करते हुए भाजपा को तीसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल करने से रोक दिया। लेकिन इन आम चुनावों में बिहार की अगर बात की जाए तो वहां की कई सीटें रही जो चर्चाओं का केंद्र बनी रही, फिर चाहे वो काराकाट सीट हो, सीवान संसदीय क्षेत्र रहा हो या फिर पूर्णिया लोकसभा सीट रही हो। वहीं पूर्णिया जहां से पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा, बता दें कि पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ते हुए भारी मतों के अंतर से संतोष कुशवाहा को यहां हरा दिया। हालांकि मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में पप्पू यादव के यहां पर आरजेडी की तरफ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती को भी देखा जा रहा था, लेकिन बीमा तो कहीं भी नजर नहीं आया और तीसरे पायदान पर तीनों प्रत्याशियों में सबसे कम वोट ही उन्हें मिला। हालांकि कांटे का मुकाबला जब रुझान आई तो देखने को मिल रहा था पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच, लेकिन आखिरकार जब रुझान नतीजों में बदले तो पप्पू यादव ने तकरीबन 25,000 वोटों से पुणे से एक बार फिर से जीत दर्ज की। बता दें कि पप्पू यादव अपने राजनीतिक करियर में छठी बार सांसद बने हैं, जिसमें से केवल चौथी बार ही वो पुणे के सांसद के तौर पर चुने गए और इस चौथी बारी में भी पप्पू यादव तीसरी मर्तबा पुणे के सांसद निर्दलीय चुने गए हैं, जबकि साल 1996 में वो सपा से यहां के सांसद रह चुके। यानी कुल मिलाकर के पप्पू यादव का पुणे में खुद का भी अच्छा खासा जनाधार है और यही दर्शाता है कि तीन मर्तबा वो पुणे से निर्दलीय सांसद रहे हैं। ऐसे में बताते चले कि पप्पू यादव का अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान सामने आया। तेजस्वी यादव पर साफ तौर पर कड़ा हमला करते हुए पप्पू यादव कहते नजर आए कि उन्हें मर्यादा में रहना चाहिए और अपने बयानों पर गौर करना चाहिए। इसके अलावा पप्पू यादव का साफ तौर पर यह भी कहना रहा कि तेजस्वी यादव जिस प्रकार से बेहद ही उत्साहित नेता नजर आते हैं, उनके लिए भला होगा कि अपनी इस उत्सुकता को कम करके अपने चुनावों पर ध्यान दें और अपने राजनीति के तरीके पर ध्यान दें, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और मैं अब की बार तेजस्वी यादव का रस रोकने वाला हूँ। साफ तौर पर पप्पू यादव तेजस्वी को चेतावनी देते नजर आए। दरअसल मार्च महीने में जब पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में बुलाई किया था, उससे पहले उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी से उनके आवास पर पटना पहुंचकर मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं अपील की थी कि अब पूर्णिया से टिकट मुझे दे दीजिए, लेकिन लालू यादव ने उन्हें टिकट नहीं सौंपा। उस बीच तेजस्वी के साथ भी उनकी जबानी जंग पूरे चुनावी माहौल में देखने को मिली थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SBN न्यूज।